हेलो फ्रेंड्स, हाजिर हूँ नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सोइल कंजर्वेशन मेजर्स एंड क्लाइमेट और वेदर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, पूरा वीडियो देखना ना भूलें। इस वीडियो के एंड पॉइंट तक इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हमने डिस्कस किया है। तो दोस्तों, आप बने रहिए और प्लीज प्लीज पूरा वीडियो देखिए, आपको बहुत सीखने को मिलेगा और दोस्तों कुछ नया मिलेगा। अगर एक क्वेश्चन भी हमारा सही होता है तो हमारे खाते में 4 नंबर जाएंगे। तो प्लीज पूरा वीडियो ना देखना भूलें। और दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब एंड लाइक नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेगी। तो दोस्तों, समय को ना वेस्ट करते हुए चलते हैं कंटेंट पर। तो दोस्तों, आज हम इसमें पढ़ रहे हैं सोइल कंजर्वेशन मेजर्स। तो दोस्तों, क्या होते हैं सोइल कंजर्वेशन मेजर्स? तो सबसे पहला है एग्रोनॉमिकल मेजर्स। तो दोस्तों, इसमें अडॉप्टेड वेयर स्लोप इज लेस देन 2%। तो दोस्तों, एक बात का अपन ध्यान रखना है कि ये वही अडॉप्ट किया जाता है जहां पर जो स्लोप होता है, जो ढलान होता है, जो 2% से कम होता है। तो याद रखिए दोस्तों, ढलान जो हमारा है 2% से कम होना चाहिए, तब तो हम क्या करते हैं एग्रोनॉमिकल मेजर्स में, एग्रोनॉमिकल मेजर्स को अडॉप्ट करते हैं। हियर इरोजन प्रॉब्लम आर नॉट सीवियर। दोस्तों, इस जो है एग्रोनॉमिकल मेजर में जो है ना, इसमें जो है सीवियर नहीं होता है, बड़ा इशू नहीं है सोइल इरोजन का। तो दोस्तों, इसको हम कहाँ यूज करते हैं जहाँ कि 2% से कम होता है? इट इंक्लूड काउंटर कल्टीवेशन, टिलेज, मल्चिंग एंड स्ट्रिप क्रॉपिंग। दोस्तों, इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें काउंटर कल्टीवेशन करते हैं। काउंटर कल्टीवेशन जैसे कि ये मान लो पहाड़ है और इस पे हम यहाँ पर सीढ़ीनुमा खेती करें, तो ये कौन सा हो जाएगा दोस्तों? काउंटर कल्टीवेशन हो जाएगा। मल्चिंग मीन्स कवरिंग ऑफ सॉइल टू कंजर्व द सॉइल मॉइस्चर। और स्ट्रिप क्रॉपिंग मतलब दोस्तों, इसमें कोई ऐसी पतली सी गली खोद के इसमें कोई क्रॉप लगा दे। आगे हमने रखा है इसको, दोस्तों डिस्कस करेंगे। तो एग्रोनॉमिकल मेजरमेंट्स में कैसे गया है दोस्तों, ये वहां पर इसको अडॉप्ट करते हैं जहाँ पर 2% से कम होता है, बट इसमें इरोजन का बहुत बड़ा इशू नहीं है। और इसमें हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसमें हम काउंटर कल्टीवेशन कर सकते हैं, टिलेज, मल्चिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग कर सकते हैं। आपको याद रखें, इसमें काउंटर कल्टीवेशन कर सकते हैं, ये बहुत सिंपल है, इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। दूसरा दोस्तों, इसमें जो है काउंटर कल्टीवेशन क्या होता है, काउंटर कल्टीवेशन क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था अभी, सीढ़ीनुमा जो खेती करते हैं उसको काउंटर कल्टीवेशन कहते हैं। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप बाय सोविंग अक्रॉस द स्लोप। तो दोस्तों, जैसे मान लो ये हमारा एक स्लोप है ये, और अगर हम इस पे ऐसे सोविंग करते हैं, इस तरह से सोविंग करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं एक्रॉस द स्लोप पे सोविंग करना। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप बाय सोविंग मतलब प्लॉग करना, इसको जोताई करना, गुड़ाई करना एक्रॉस द स्लोप। कुछ लोग समझते हैं कि पूरे स्लोप पर तो करते हैं, लेकिन स्लोप जो होता है उसमें हम ऐसे सोविंग नहीं करते हैं इसमें कभी भी। तो इसमें इस तरह की सोविंग की जाती है, ऐसे ऐसे इसको कट बना लेते हैं, इसको बोलते हैं सीढ़ीनुमा खेती करना और काउंटर कल्टीवेशन करना। इट कंजर्व सॉइल और सॉइल फर्टिलिटी एंड वाटर। तो दोस्तों, ये क्या होता है कि सॉइल को कंजर्व करता है, कैसे? अगर हम ऐसे क्रॉप करेंगे तो मिट्टी बह के नीचे नहीं जाएगी। इट सॉइल का सॉइल कंजर्वेशन को प्रोटेक्ट करता है, सॉइल फर्टिलिटी एंड वाटर को भी ये कंजर्व करता है। किस किस को कंजर्व करता है? सॉइल को कंजर्व करता है, फर्टिलिटी को कंजर्व करता है और वाटर को भी कंजर्व करके रखता है। तो दोस्तों, इसमें आपको याद रखना है एक्रॉस द स्लोप, स्लोप के जो है ना, एक छोर से दूसरे छोर तक हम ढलान के जो है अपोजिट में, जस्ट अपोजिट में इसको हम स्विंग करते हैं, जैसे सीढ़ीनुमा खेती आप समझ सकते हैं। जो दूसरा है दोस्तों, मल्चिंग। तो मल्चिंग क्या होता है आप समझिए, मल्चिंग क्या होता है दोस्तों? मल्चिंग उसको बोलते हैं कि कवरिंग ऑफ द सॉइल सरफेस। तो दोस्तों, इसका मेन उद्देश्य क्या होता है? टू कंजर्व सॉइल मॉइस्चर। तो पढ़ते हैं दोस्तों, मल्चिंग क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू कंजर्व सॉइल मॉइस्चर।
मल्चिंग इज एनी मटेरियल अप्लाइड ऑन द सॉइल सरफेस टू चेक एवापोरेशन एंड इम्प्रूव सॉइल वाटर। तो दोस्तों इन्होंने क्या बोलता है कि मल्चिंग में कोई मटेरियल ले लो, चाहे हम उसमें कोई घास ले लें या कोई पत्तियां ले लें या कोई पत्थर ले लें या प्लास्टिक पॉलिथीन ले लें, कुछ भी चीज जिसको हम पेड़ों के चारों तरफ मिट्टी पे मतलब जमीन पे अपन बिछा दें उसको, तो उसमें क्या होता है कि वो पानी को हवा में ना उड़े, उसका एवापोरेशन ना हो, पानी का हवा में ना उड़े, इसलिए हम उसको जमीन पर बिछा देते हैं। इसको बोलते हैं मल्चिंग। किसके लिए करते हैं? मॉइस्चर कंजर्वेशन के लिए करते हैं दोस्तों, मॉइस्चर कंजर्वेशन के लिए करते हैं। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने जो लिख दिया है, मॉइस्चर कंजर्वेशन के लिए करते हैं एंड इम्प्रूव सॉइल वाटर। और इस इम्प्रूव सॉइल वाटर कैसे होगा दोस्तों? जो हवा में उड़ने से बच जाएगा, इससे सोल का वाटर इंप्रूव रहेगा, बना रहेगा दोस्तों। ये और मल्चिंग क्या क्या करता है, जैसे जैसे वीड ग्रोथ रोकता है दोस्तों, अगर पॉलिथिन मल्च है तो उसमें से वीड हो ही नहीं सकता है। दूसरा दोस्तों ऑर्गेनिक मैटर फर्टिलिटी बढ़ाएगा सोल की, माइक्रोबिलिटी बढ़ाएगा, ऑक्सीडेशन उसका ऑक्सीजन कंटेंट बढ़ाता है दोस्तों, उसका ये यील्ड एंड प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। सारे ये एडवांटेज हैं मल्चिंग के। इट्स अ मोस्ट इम्पोर्टेंट टेक्टिक टू कंजर्व ऑफ सॉइल मॉइस्चर एंड रिड्यूस इरोजन फॉर एग्रीकल्चर इन ड्राई रीजन। तो दोस्तों आपने पता होगा कि ड्राई रीजन में सबसे ज्यादा तेज हवाएं चलती हैं और मिट्टी सूखी रहती है, तो इसमें विंड इरोजन भी बहुत सारा होता है। तो ये जो मल्चिंग करते हैं उससे विंड इरोजन रुकता है, और जो अगर पानी बरस जाता है तो पानी का कंजर्व भी अच्छा होता है। एग्जाम्पल क्रॉप रेसिड्यूज यूज कर सकते हैं, लीव्स यूज करते हैं, मैन्यूर्स मतलब जैसे मान लो एफआई वगैरह डाल दो, पॉलीथीन यूज कर सकते हैं। ये सभी ये क्या है दोस्तों? कंपोनेंट है उसको यूज करने की, कि किससे हम मल्चिंग कर सकते हैं। तीसरा जो पॉइंट हमारा स्ट्रिप क्रॉपिंग। दोस्तों स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होता है? सिस्टम ऑफ क्रॉपिंग इन विच लॉन्ग एंड नैरो स्ट्रिप ऑफ इरोजन रेसिस्टेंट क्रॉप आर अल्टरनेट स्टेप ऑफ इरोजन परमिटिंग क्रॉप। तो दोस्तों जैसे कि आपको मालूम है इरोजन परमिटिंग क्रॉप कौन सा है? मेज है। अगर हम इसको मान लो कि स्लोप पे लगाते हैं मेज को, तो ये क्या करता है कि मिट्टी के उसको बढ़ाता है, सोल इरोजन को बढ़ाता है। तो हम कुछ ऐसी क्रॉप्स लगाएं, इनके जैसे ये क्रॉप है यहाँ पर, हम कुछ ऐसे क्रॉप ग्रो कर रहे हैं पतली सी नाली खोद के, कि ये उसके उसको मिट्टी के कटाव को रोक ले। तो इस तरह की क्रॉपिंग को बोलते हैं स्ट्रिप क्रॉपिंग। सिस्टम ऑफ क्रॉपिंग इन विच लॉन्ग एंड नैरो स्ट्रिप, दोस्तों लॉन्ग एंड नैरो स्ट्रिप ऑफ इरोजन रेसिस्टेंट क्रॉप जो इरोजन को रोकते हैं। ऐसे दोस्तों बहुत सारे होते हैं, जैसे ग्रासेस जो फॉडर क्रॉप्स होते हैं वो सभी इरोजन रेसिस्टेंट क्रॉप होते हैं मोस्ट ऑफ। जैसे कि अपन बहुत सारे जो मिल्की जो दूध वाले पशुओं के लिए जो एडवाइस करते हैं वो सारे इरोजन रेसिस्टेंट क्रॉप्स होते हैं। मैकेनिकल मेजर्स जो दूसरा हमारा पॉइंट है, मैकेनिकल मेजर्स हम क्या क्या सुने? अडॉप्टेड टू सप्लीमेंट द एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस एंड व्हेन लैंड स्लोप इज मोर देन 2%। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात है इसको कहाँ कहाँ यूज करते हैं? जहां पर स्लोप का 2% से ज्यादा हो। डियर फ्रेंड्स आप ये जरूर याद रखिए, आपको ये अच्छे से याद होना चाहिए कि किसको कहाँ यूज कर रहे हैं हम। तो वो लेस देन 2 के लिए था या मोर देन 2 के लिए? इट इंक्लूड फॉलोइंग प्रैक्टिसेस। और इसके अंदर कौन कौन सी प्रैक्टिसेस आती है दोस्तों? तो सबसे इसमें काउंटर बॉन्डिंग, काउंटर जो बंड बनाते हैं बॉन्डिंग आता है। काउंटर बॉन्डिंग इज अडॉप्टेड अप टू 6% स्लोप ऑफ लैंड। तो दोस्तों ये स्लोप पूछते हैं, देखो दोस्तों ये आपको याद रखे हैं कि काउंटर पर अगर बंड बनाना है तो 6% स्लोप कम से कम होना चाहिए, तब तो हम इसको बोलेंगे काउंटर बॉन्डिंग। 6% स्लोप ऑफ लैंड एंड यूज इन एरिड एंड सेमी एरिड एरिया विथ हाई इनफिल्ट्रेशन एंड परमियबिलिटी। तो दोस्तों इसको कहाँ यूज करते हैं? एरिड रीजन में, एरिड और सेमी एरिड में। तो आपको दोस्तों काउंटर बॉन्डिंग के लिए थोड़ा सा आपको देखना रहेगा कि
किसको कहाँ पर यूज करते हैं, एरिड एंड सेमी एरिड। ग्रेडेड बंडिंग, तो दोस्तों ग्रेडेड बंडिंग क्या होते हैं, तो रिकमेंडेड इन एरिया रिसीविंग रेनफॉल ऑफ मोर देन 800 mm पर ईयर। तो दोस्तों ये कहाँ होता है, जहां पर रेनफॉल कितना होता है, मोर देन 800 mm पर ईयर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट में लिख के बताना है कि अगर जो फार्मिंग होती है, ड्राई फार्मिंग, ड्राई लैंड फार्मिंग, और जो तो इसमें 800 अगर परसेंट बारिश हो रही है, तो इसमें कौन सी फार्मिंग होगी, ड्राई फार्मिंग होगा या ड्राई लैंड फार्मिंग होगा। दोस्तों आप अभी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, हम आपका देखते हैं कि आप कितने ध्यान से हमारे वीडियोस देख रहे हैं। दोस्तों इसमें कब है, 800 mm से जब ज्यादा बारिश हो रही है तब हम इसको यूज करेंगे, किसको, ग्रेडेड बंडिंग। इन जनरल बंडिंग इज सुटेबल फॉर लैंड हैविंग स्लोप मोर देन 2 से 10%। दोस्तों देखो अगर हमारा जो पहाड़ी एरिया है उसका स्लोप कितना है, 2 से 10% है ढलान, तब हम उस पर क्या बंड बना देते हैं। आपने बंड का होगा देखो, छोटा छोटा खोद देते हैं और उसमें क्या पानी रुक जाता है और पानी अंदर जमीन में बैठते रहता है, और या फिर हम इसको एक कलेक्शन कलेक्टिंग पॉइंट बना देते हैं जहाँ पर जो बंड का पानी है वो इकट्ठा होता रहता है। और दोस्तों जब हम बंड बनाते जाते हैं तो ये बहुत ही अच्छा ही यूज है, आजकल वाटर शेड में भी इसका यूज कर रहे हैं थोड़ा बहुत। काउंटर एंड ग्रेडेड बंडिंग आर मोस्ट यूज इन इंडिया, तो दोस्तों ये इंडिया में सबसे ज्यादा यूज होते हैं, आप देख लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि कौन सा सबसे ज्यादा बंड इंडिया में यूज होता है, तो आपको ग्रेड बंडिंग और काउंटर बंडिंग पे आपको बताना है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है सब सॉइलिंग, ब्रेकिंग ऑफ हार्डपन ऑफ सॉइल बाय द सब सॉइलर एट 30 से 60 cm। तो दोस्तों आपने एक चीज देखी होगी, सब सॉइलिंग का एक बेस्ट एग्जाम्पल बताऊं, जब हम पडलिंग करते हैं उस टाइम जो अगर हम जो करते हैं पडलिंग, वो किसके लिए करते हैं, सब सरफेस के हार्ड करने के लिए करते हैं, सब सरफेस को हार्ड करने के लिए करते हैं। तो ब्रेकिंग ऑफ हार्डपन ऑफ सॉइल बाय सब सॉइलर, तो जो ट्रैक्टर के टायर वगैरह में जो होते हैं पडलर, उनको सब सॉइलर जैसे यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों एट 30 से 60 cm, ये थोड़ा डीप हो गया, लेकिन जब हम बात करते हैं उसके दान के फीलिंग, तो उसमें जब पडलिंग करते हैं वो सब सॉइल को हार्ड करने के लिए करते हैं, जिससे कि हमारा लीचिंग और जो है पानी का जो है इनफिल्ट्रेशन ना हो पाए। सेंटीमीटर एंड डेप्थ एंड 90 से 80 cm इंटरवल, तो दोस्तों इसको कितने कहते हैं, 30 से 60 cm डेप्थ तक, गहराई तक करते हैं, और उसका कितनी दूरी पर करते हैं, एक दूसरे से 90 से 180 cm इंटरवल, मान लो 2-2 मीटर पे हम सब सोलर हमको जो है ना खोद खोद के हमें हार्डपन को ब्रेक करके रखना है। दोस्तों ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, BBF है, ब्रॉड बेड एंड फिरो सिस्टम, तो इसको आप एकदम 5 स्टार लगा लीजिए दोस्तों, ये बहुत ज्यादा आता है। सुटेबल फॉर मैनेजिंग रेन वाटर इन डीप ब्लैक सॉइल, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कहाँ यूज होता है दोस्तों, डीप ब्लैक सॉइल में यूज होता है, कहाँ पर यूज होता है, डीप ब्लैक सॉइल में यूज होता है, वेयर सरफेस ड्रेनेज ड्यूरिंग द मानसून पीरियड इज अ प्रॉब्लम। आपको पता होगा दोस्तों जो काली मिट्टी होती है उसमें ड्रेनेज की बड़ी प्रॉब्लम होती है, और एक तो उसकी जल धारण क्षमता बहुत ज्यादा होती है, इस मान सकते हैं कि सबसे ज्यादा होती है, इस कारण से क्या होता है कि वो मिट्टी को पानी को बहुत ज्यादा रोक लेता है, और उसमें बहुत ब्लैक सॉइल बहुत चिकनी होती है, उसमें नीचे भी पानी बहुत जल्दी नहीं जा पाता है, इसीलिए उसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि पानी भरा रहता है, तो यहाँ पर उसमें ड्रेनेज की बड़ी प्रॉब्लम रहती है, देखिए हियर इज प्रॉब्लम। तो बेंच टेरेसिंग किसको बोलते हैं दोस्तों, बेंच टेरेसिंग अडॉप्टेड इन इन लैंड्स वेयर द स्लोप रेंजिंग फ्रॉम 16 से 30 cm ऑन स्टीप, तो दोस्तों अगर ये ऐसे हो जाए तो वहां पर क्या होता है, बेंच टेरेसिंग करते हैं, बेंच टेरेसिंग फार्मिंग करते हैं, अडॉप्टेड इन लैंड वेयर स्लोप इज रेंजिंग फ्रॉम
16 से 33% के बीच में जब होता है तो हम इसको अडॉप्ट करते हैं। और स्टीप स्लोपिंग एंड अनडुलेटिंग लैंड, अनडुलेटिंग मतलब इस तरह की अगर कोई मिट्टी है, पहाड़ी है, तो उसके लिए हम ऐसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है जिंक टेरेसिंग। जिंक टेरेसिंग क्या होता है, अडॉप्टेड इन लैंड विथ 3 to 10% स्लोप। देखो दोस्तों, 10 के नीचे ही है, 3 to 10% स्लोप है। जिंक टेरेसिंग आर कंस्ट्रक्टेड इन मीडियम टू डीप सॉइल, दोस्तों मीडियम टू डीप सॉइल इन मॉडरेट टू हाई रेनफॉल एरियाज। दोस्तों इस तरह की कहाँ यूज करते हैं इसको, ड्राई लैंड में यूज नहीं करेंगे क्योंकि वहां पर तो रेनफॉल बहुत कम होता है। तो इसको कहाँ करेंगे हम, जहाँ पर एवरेज रेनफॉल हो रहा है और एवरेज से भी ज्यादा हो रहा है, मॉडरेट टू हाई। तो अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो दोस्तों इसमें मध्य प्रदेश में 1195 शायद MM बारिश का जो है इसको एवरेज मानते हैं। तो अगर किसी अंडुलेटिंग एरिया या स्लोप पर इससे ज्यादा बारिश होती है, इतनी बारिश होती है, तो वो जिंक टेरेसिंग का यूज करना चाहिए। किसके लिए दोस्तों, मॉइस्चर कंजर्वेशन के लिए। नेक्स्ट दोस्तों वेजिटेटिव बैरियर्स। दोस्तों वेजिटेटिव बैरियर्स क्या होते हैं, दीज आर द क्लोजली स्पेस्ड प्लांटेशन यूजुअली अ फ्यू रोज ऑफ ग्रासेस श्रब्स अलोंग काउंटर फॉर इरोजन कंट्रोल। तो दोस्तों देखो, दीज आर क्लोजली स्पेस्ड प्लांटेशन, दोस्तों इसमें क्या करते हैं कि पास पास में पेड़ लगा देते हैं, ऐसे पेड़ जो सॉइल इरोजन को रोकते हैं और मॉइस्चर कंजर्वेशन करते हैं। जैसे कि सॉइल इरोजन को जो रशियन क्रॉप कौन सा, जैसे कैशू वगैरह है, साउथ में इसको बहुत यूज कर सकते हैं, करते हैं हम लोग। यूजली इन फ्यू रोज ऑफ ग्रासेस, उनके जो ग्रासेस लगाते हैं, सरफ्स लगा देते हैं अलग विथ काउंटर फॉर इरोजन। दोस्तों ये फोर है, इसको आप ऐसे कर सकते हैं, इरोजन कंट्रोल। खस है, वेटिवर, वेरी इंपॉर्टेंट याद है दोस्तों, ये खस जो होता है ये वेटिवर स्पेशली इंट्रोड्यूस फॉर सोल कंजर्वेशन के लिए इसको इंट्रोड्यूस किया था। तो इट इज अ मोस्ट सुटेबल प्लांट फॉर दिस पर्पस, किसके लिए दोस्तों, वेजिटेटिव पर्पस के लिए, और मिस वेजिटेटिव पर्पस बैरियर्स के लिए। इसके लिए इसे किसके लिए इंट्रोड्यूस किया था, इसमें सोल कंजर्वेशन के लिए, सेम एज कैश्यू। वर्टिकल मल्चिंग, दोस्तों वर्टिकल मल्चिंग को आप समझ लीजिए, डिगिंग नैरो ट्रेंचेस अक्रॉस द स्लोप। दोस्तों मान लो ये स्लोप है और इसमें क्या करते हैं कि पतले पतले से गड्ढे खोद लेते हैं ऐसे, तो डिगिंग नैरो ट्रेंचेस अक्रॉस द स्लोप इन एट इंटरवल एंड प्लेसिंग द स्ट्रॉ और क्रॉप रेसिड्यू दीज ट्रेंचेस। और इसमें क्या करते हैं दोस्तों, जो हमारा घास निकलता है उसको दबा दबा के भर देते हैं। इट इज मोस्टली प्रैक्टिस इन कॉफी गार्डन। दोस्तों इसको कहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं, दोस्तों ज्यादातर कॉफी गार्डन में इसको प्रैक्टिस करते हैं। क्लाइमेट दूसरा पार्ट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको देखते रहिए, आप पूरा वीडियो देखिए, आपको जरूर देखो दोस्तों, हर एक टॉपिक से एक एक दो क्वेश्चन आता है, तो आप देखते रहेंगे तो आपका एक एक दो दो क्वेश्चन से दोस्तों सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो वेदर आर स्टेट और कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर एट गिवन प्लेस, दोस्तों एक पर्टिकुलर प्लेस पर ही हम एटमॉस्फेयर वर्ड का यूज कर सकते हैं। एटमॉस्फेयर हम पूरे MP के लिए ऐसे एटमॉस्फेयर यूज नहीं कर सकते, वर्ड बहुत पर्टिकुलर होगा, बहुत छोटे होगा। जैसे कि मान लो कि हम एक बात करें एक छोटे से एरिया की, तो वहां पर हम यूज करेंगे यहाँ का वेदर और एटमॉस्फेयर कैसा है एट अ गिवन टाइम और एक समय में, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर जो है ना दोस्तों चेंज होता रहता है बहुत जल्दी जल्दी। एटमॉस्फेयर इट इज कलरलेस टेस्टलेस ऑडरलेस मिक्सर ऑफ गैसेस सराउंडेड द अर्थ। तो दोस्तों वेदर के बारे में बताया कि हमें गिवन प्लेस एक छोटे से एरिया में होता है, एक निश्चित समय के लिए होता है, तब हमें एटमोस्फियर मीन्स जो क्लाइमेट का, क्लाइमेट क्या होता है दोस्तों, ब्रॉड टर्म होता है, ब्रॉड बहुत बड़ी एरिया के लिए होता है और एक लंबे समय तक ये बना रहता है, जैसे कि ठंड है, बरसात है, गर्मी है, ये क्लाइमेट है। तो दोस्तों एटमोसफेयर इट इस कलरलेस, पहले तो कलरलेस होता है, टेस्टलेस होता है, ऑडरलेस होता है, मतलब बदबू नहीं आती इसमें, मिक्सचर ऑफ गैसेस, इसमें कई सारे गैसेस भरे रहते हैं, जैसे हाइड्रोजन, अमोनिया, जिनोन है, हीलियम है, CO2,
सराउंड द अर्थ, अर्थ के चारों तरफ। इट एक्सटेंडेड अप टू हाइट ऑफ अबाउट 1600 किलोमीटर। तो दोस्तों जो एटमोसफेयर है ये कहाँ तक रहता है कि जमीन से लेके 1600 किलोमीटर तक ऊपर फैला रहता है। हाउएवर 90% ऑफ द टोटल मास ऑफ द एटमोसफेयर इज विद इन 40 किलोमीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप दिमाग में डाल लीजिए कि जो 90% जो वायुमंडल है, जो 90% टोटल मास है एटमोसफेयर का, वो कहाँ पाया जाता है? विद इन 40 किलोमीटर के नीचे पाया जाता है। तो आप इसको याद रख लीजिए, पूछ जाता है दोस्तों। तो 40 किलोमीटर ऑफ द अर्थ सरफेस ऑफ द एटमोसफियर बेस्ड ऑन वर्टिकल टेम्परेचर डिफरेंस। तो दोस्तों इसका जो क्लासिफिकेशन दिया है, जो क्लासिफिकेशन है क्या है, बेस्ड ऑन वर्टिकल टेम्परेचर। इसको ऐसे डिवाइड करेंगे हम, ये मान लो अर्थ है, तो अब हम यहाँ से चालू होंगे। पहला कौन सा दोस्तों? ट्रोपोस्फियर है। कौन सा दोस्तों? ट्रोपोस्फियर है। इसमें इट इज अ लोअर लेयर ऑफ द अर्थ एंड एक्सटेंडिंग अप टू द हाइट ऑफ 8 से 18 किलोमीटर। तो दोस्तों ये जमीन से कितना होता है, या तो 8 किलोमीटर से और 18 किलोमीटर के बीच में ये रहता है। तो आप याद रखिए दोस्तों, सबसे पहले आता है ट्रोपोस्फीयर। कौन सा था दोस्तों? ट्रोपोस्फीयर। टेम्परेचर डिक्रीज विद इंक्रीज द एल्टीट्यूड एट द रेट ऑफ 6 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर। तो डियर फ्रेंड्स, इसका टेम्परेचर जैसे जैसे हम यहाँ से ऊपर बढ़ते जाते हैं, तो प्रति किलोमीटर पर 6 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता जाता है। तो याद रखिए, इसमें टेम्परेचर घटता है दोस्तों। कैसा होता है? घटता है, डिक्रीज होता है। टेम्परेचर डिक्रीज मतलब इंक्रीज एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड जैसे ही बढ़ रहा है, जैसे ही है हम ऊंचाई पर जाते हैं, बढ़ता जाता है वहाँ टेम्परेचर घटता जाता है। विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड एट द रेट ऑफ कितनी रेट से घटता है? 6 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर के हिसाब से गिरता जाता है। इट इन्फ्लुएंस अर्थ क्लाइमेट। जो होता है दोस्तों ट्रोपोस्फीयर, इसी में अर्थ क्लाइमेट है। इट डेंस पार्ट ऑफ एटमोसफियर, ये सबसे डेंस पार्ट है दोस्तों, हवा इसी में रहती है। कंटेन 85% ऑफ एटमोसफियर की मास। ऑल वेदर फिनोमेनन लाइक क्लाउड्स रेन मिस्ट फॉग ड्यू एंड ऑकर इन ट्रोपोस्फीयर। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि मान लो कि बरसात हो रही है, तो हम बताइए तो कौन से पार्ट में हो रही है, और बरसात कौन से पार्ट में होती है, और विमान कौन से पार्ट में उड़ते हैं वेदर के में। तो दोस्तों इसको हमको एटमोसफेयर के कौन से पार्ट में उड़ते हैं, तो इनको हमको मालूम होना चाहिए, में पता होना चाहिए। तो दोस्तों जो भी एग्रोनॉमिकल रिएक्शंस होती हैं, जैसे कि तूफान आना, ये सब आना, ये सब किस में होते हैं? ट्रोपोस्फीयर में होते हैं। अब दूसरा आ गया दोस्तों स्ट्रेटोस्फीयर। इट लाइज बियॉन्ड द हाइट ऑफ, दोस्तों मान लो अगर हमारा 18 किलोमीटर, तो इसके बाद ये पाया जाएगा 50 किलोमीटर तक। 18 से या 8 से 50 किलोमीटर पाया जाएगा ये ऊपर। तो पहले कौन सा था दोस्तों? टी था, TSMT। इसका कोड बताया है दोस्तों, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीसोस्फीयर एंड थर्मोस्फीयर। टी से शुरू होता है, टी पर एंड होता है। आप कंफ्यूज नहीं होंगे सीक्वेंस में, नहीं तो बहुत सारे लोग सीक्वेंस में कंफ्यूज होकर बहुत गलतियां कर लेते हैं। वार्मेस्ट लेयर यूनिफॉर्म टेम्परेचर विद एल्टीट्यूड। तो दोस्तों ये जो स्ट्रेटोस्फीयर है, इसमें सबसे वार्मेस्ट लेयर होती है। कैसी होती है दोस्तों? वार्मेस्ट लेयर यूनिफॉर्म टेम्परेचर होता है विद एल्टीट्यूड, और इसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं होता है दोस्तों। के ऊपर चल रहे हैं तो घटेगा बढ़ेगा, जैसा कि ट्रोपोस्फीयर में हो रहा था। इसमें यूनिफॉर्म रहता है, एक जैसा रहता है। इट इज अ एक्चुअल सीट ऑफ मोस्ट ऑफ द फोटोकेमिकल रिएक्शंस। और दोस्तों यहाँ पर क्या जो होती है, फोटोकेमिकल मीन्स, फोटोकेमिकल मीन्स जो सूर्य की किरणों से जो किरण निकलती है, उनके कारण जो रिएक्शंस होती हैं वो इसी पार्ट में होती हैं। किस में होती हैं? स्ट्रेटोस्फीयर में होती हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शंस में होती हैं। प्रेजेंस ऑफ ओजोन लेयर। और दोस्तों इसमें क्या होता है, ओजोन लेयर कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ओजोन लेयर कौन से पाई जाती है। तो दोस्तों पहला आप टी छोड़ देना, दूसरे एस में आ जाना, TSMT।
इसमें बरसात होंगी, और दोस्तों यही मान लो कि सब प्रोटेक्शंस होती हैं, और यही हमको प्रोटेक्ट करती है कौन, ओजोन लेयर, तो इसी में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फीयर में, हेंस आल्सो कॉल्ड एज ओजोन स्फीयर। और इसको क्या बोलते हैं? ओजोन स्फीयर, क्योंकि इसमें ओजोन का परत, मोटी परत पाई जाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट तीसरा पार्ट है दोस्तों, कौन सा? मीसोस्फीयर। इट्स लाई बियॉन्ड द स्ट्रेटोस्फीयर एट द हाइट ऑफ 50 किलोमीटर। किसके बाद पाया था दोस्तों? 50 के बाद। कितना किलोमीटर? एक्सटेंडिंग अप टू 80 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। दोस्तों कोल्ड रीजन है, कैसा ये? ठंडा रीजन है। कैसा है? ठंडा रीजन है। और दोस्तों ये वार्म रीजन था, ये वार्मेस्ट लेयर इसमें जो पाई जाएगी। स्ट्रॉन्ग डिक्रीज इन टेम्परेचर विद द इंक्रीज अल्टीट्यूड। दोस्तों जब पहले हम अगर पढ़ रहे थे कि जिसमें टेम्परेचर जो रहा घट रहा था, और जैसे हम बढ़ रहे थे, लेकिन स्ट्रेटोस्फीयर में जाके स्थिर हो गया, यूनिफॉर्म हो गया। लेकिन उसके ऊपर जैसे ही हम मीसोस्फीयर में गए, तो जो ठंड है, जो टेम्परेचर है, वो तीव्र गति से गिरने लगा है। नेक्स्ट जो पार्ट आता है थर्मोस्फीयर, इट इज अ आउटर मोस्ट लेयर है दोस्तों, ये पूछा जाता है। कॉल्ड एग्जोस्फियर भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एग्जोस्फियर ही बोलते हैं। ये आउटर मोस्ट पार्ट है दोस्तों, फ्रॉम अर्थ सरफेस एक्सटेंडिंग एट द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर। तो दोस्तों 80 किलोमीटर के बाद पूरा जो है 1600 किलोमीटर तक यही होता है। द लोअर लेयर ऑफ द थर्मोस्फियर इज कॉल्ड एज आयनोस्फियर। और जो थर्मोस्फियर की जो लोअर लेयर है दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं? आयनोस्फियर, क्योंकि इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। तो याद रखिए दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं? आयनोस्फीयर। लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो कम्युनिकेशन इज मेड पॉसिबल थ्रू दिस लेयर, दिस आयनाइज। इसको याद रखिए दोस्तों, ये पॉइंट पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो कम्युनिकेशन इज मेड पॉसिबल थ्रू दिस आयोनाइज लेयर, क्योंकि दोस्तों इसमें जो है ना किरणों का जो संचार इजीली होता है। टेम्परेचर इंक्रीज विद एल्टीट्यूड। दोस्तों टेम्परेचर इसमें घट रहा है एल्टीट्यूड के साथ। दोस्तों हम जैसे कंपोजिशन ऑफ एटमोस्फेयर के एयर के बारे में बात करते हैं, तो जो हमारे वातावरण में सबसे ज्यादा क्या पाया था दोस्तों? 78% नाइट्रोजन पाई जाती है, 21% ऑक्सीजन पाई जाती है, आर्गन, इसको याद रखिए दोस्तों बहुत आजकल पूछ जाता है, 0.93% में अप्रोक्स लगभग 1% के। कौन सा है दोस्तों? आर्गन पाई जाती है। और इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है दोस्तों 0.03%, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इस पे स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। और यकीन मानिए एमपीपीएससी में बहुत सिंपल पेपर आता है, बहुत टफ आपको नहीं पढ़ना है, आपका बेस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत टफ पेपर नहीं आता है। तो 0.03 है, नॉट 3, 0.20 है, पॉइंट के बाद 0 है दोस्तों, पॉइंट के बाद 0 है, ये देखो इतने बड़े 0 याद देखना, पॉइंट के बाद 0 है, अंदर आगे 0 यहाँ लगाते हैं, तो 0.03% है, देखो याद रखिए दोस्तों। कंपोजिशन ऑफ सॉइल एयर और मिट्टी में देखते हैं कि कितनी महत्व क्या पाया जाता है दोस्तों। तो नाइट्रोजन परसेंट इज मोर और लेस सेम एज द एटमोसफियर। तो दोस्तों नाइट्रोजन के बारे में कुछ कमेंट नहीं कर रहे कि इसमें कितना है, कम ज्यादा के बारे में बोल रहा है। ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज एज कम्पेयर टू एटमोसफियर। तो इसमें बोल रहा है कि जो ऑक्सीजन है वो इसमें एटमोसफियर से घट गई है दोस्तों, ऑक्सीजन इसमें एटमोसफियर की तुलना में कम होती है, लेकिन CO2 लेवल विल बी नियरली 8 to 10 times मोर। और बोल रहा है कि 10 गुना ज्यादा। अगर दोस्तों हम 0.03 में, 0.03 में अगर हम 10 का गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट 0.3, 1 जीरो के बाद ज्यादा पॉइंट आ जाएगा। तो ये आप याद रखिए कि ये लगभग लगभग हमारा 0.3% जो होता है, क्या होता है? CO2 होता है, किसमें? सॉइल में। सोलर कॉन्स्टेंट किसको बोलते हैं दोस्तों? सोलर कॉन्स्टेंट क्या है? डिफाइन एज द एनर्जी फॉलिंग इन 1 मिनट ऑन अ सरफेस एरिया ऑफ 1 स्क्वायर सेंटीमीटर एट द आउटर बाउंड्री ऑफ एटमोसफेयर हेल्ड नॉर्मल टू द सनलाइट एट द मेन डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन। तो दोस्तों इन्होंने सिंपल भाषा में अगर हम बात इसकी बोले तो बोल रहा है कि एटमोसफेयर के बाहर 1 सेंटीमीटर एरिया पर
स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया लंबाई और चौड़ाई में नापते हैं दोस्तों, तो 1 स्क्वायर सेंटीमीटर यहाँ पे 1 मिनट में जितनी धूप पड़ रही है, जितनी बढ़ रही है, उस कांस्टेंट को बोलते हैं दोस्तों क्या, सोलर कांस्टेंट। तो याद रखिए दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं। 1 स्क्वायर सेंटीमीटर 1 मिनट के अंदर में और आउटर बाउंड्री में जो पड़ रही है एटमोस्फेयर में, तो उसको बोलते हैं सोलर कांस्टेंट। सोलर कांस्टेंट वैल्यू इज 1.94 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, और ऐसा ही यूनिट हम बोलेंगे तो इसको दोस्तों 1353 वाट्स पर मीटर स्क्वायर, कितना दोस्तों, वाट्स पर मीटर स्क्वायर है। अब याद रखिए दोस्तों 1.94 किलो कैलोरी, सॉरी नॉट किलो कैलोरी, ओनली कैलोरी, कैलोरी से प्रति सेंटीमीटर प्रति मिनट में इतना कोसा सोलर कांस्टेंट आता है। तो ये वैल्यू याद रख लीजिए दोस्तों, डायरेक्ट पूछ लेते हैं, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। 1.94 कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर मिनट। द सोलर रेडिएशन इज रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, वेरी डिफरेंट पॉइंट है दोस्तों, कि जो सोलर रेडिएशन कैसी होते हैं, किस फॉर्म में रिसीव होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बीच में होती हैं। मीन्स दोस्तों इसमें चुंबकीय प्रभाव पाया जाता है वेव्स। पार्टिकल्स आर कॉल्ड क्वांटा और फोटोन, और इनको क्या बोलते हैं दोस्तों, क्वांटा और फोटोन बोलते हैं। जो सन आके गिरती है इस एरिया में, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं उनको क्या बोलते हैं दोस्तों, क्वांटा या फोटोन बोलते हैं। कहीं कहीं पर क्वांटम भी लिखा मिलेगा दोस्तों आपको, यहाँ एम भी होता है, क्वांटम या फोटोन्स बोलते हैं। पीएआर, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, पीएआर ऐसी रेडिएशन होते हैं जिसमें दोस्तों क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होती है। फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन लीव्स यूज सोलर एनर्जी इन वेवलेंथ फ्रॉम 1.47 माइक्रोमीटर, और द रेडिएशन 400 to 700 नैनोमीटर इज मोस्ट एक्टिव इन फोटोसिंथेसिस। तो दोस्तों ये कह रहे हैं फोटोसिंथेसिस के एक्टिव रेडिएशन कितनी होती है, तो 400 to 700 नैनोमीटर होता है दोस्तों। कितना होता है, 400 to 700 नैनोमीटर इज मोस्ट एक्टिव इन फोटोसिंथेसिस। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जो फोटोसिंथेसिस के लिए जो पीआर होती है वो कितनी होती है, या तो 0.4 से 0.7 माइक्रो या फिर 0.400 to 700 नैनो, आपको याद रखना है। और दोस्तों ये इसको किस में मेजर किया जाता है, इसकी यूनिट क्या है, मेजर्ड बाय क्वांटम सेंसर, और यूनिट आइंस्टीन और वाट पर मीटर स्क्वायर, आइंस्टीन और वाट पर मीटर स्क्वायर, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यूनिट याद रखिए, आइंस्टीन और वाट्स पर मीटर स्क्वायर। लक्स क्या होता है दोस्तों, लक्स क्या होता है, इज द ओल्डेस्ट यूनिट टू मेजर इंटेंसिटी ऑफ सोलर रेडिएशन। ये बहुत पुरानी यूनिट है, पहले जमाने में क्या करते थे दोस्तों, इस लक्स में इसको नापते थे कि कितना लक्स है। स्पेक्ट्रोमीटर मेजर सोलर रेडिएशन इन नैरो वेवलेंथ, वेवलेंथ, तो स्पेक्ट्रोमीटर है जो होता है दोस्तों वो सोलर रेडिएशन की क्या होता है, नैरो वेवलेंथ को मेजर करता है। लैप्स रेट के बारे में बहुत पूछा जाता है दोस्तों, लैप्स रेट क्या होती है, लैप्स रेट क्या, द वर्टिकल टेम्परेचर डिक्रीज और ग्रेडियंट इज एक्सप्रेस्ड एज लैप्स रेट। उन्हें बोल दिया द वर्टिकल टेम्परेचर डिक्रीज और ग्रेडियंट इज एक्सप्रेस्ड एज लैप्स रेट। तो दोस्तों नॉर्मली लैप्स रेट इज 6.5 किलोमीटर, तो वर्टिकल टेम्परेचर जब हम ऊपर बढ़ते जाते हैं दोस्तों, ऐसे ऊपर बढ़ते हैं तो जो टेम्परेचर गिरता है, जो एक जैसे 6 पॉइंट की गति से गिरा था, 6.5, इसी को बोलते हैं दोस्तों लैप्स रेट बोलते हैं। द वर्टिकल टेम्परेचर डिक्रीज ऊपर उठने पर, तो ये कितना है दोस्तों, 6.5 सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर ऊपर उठने पर ये गिरता है। तो दोस्तों टी एस एम टी यहाँ पे याद रखें, टी एस और एम और टी, तो जो टी में ये सबसे ज्यादा लैप्स रेट देखने को मिलता है दोस्तों, याद रखें ट्रोपोस्फियर में। एडियाबेटिक लैप्स रेट क्या होता है दोस्तों, द रेट एट विच द एटमोस्फेरिक चेंजेस एज एयर राइज और फॉल इज कॉल्ड एडियाबेटिक लैप्स रेट। तो दोस्तों उन्होंने बोला है द रेट एट विच द एटमोस्फेरिक टेम्परेचर रेंजेस एज
ये राइज और फॉल। उन्होंने बोला है कि जब हवा की बढ़ने से दबाव और घटने से अगर टेम्परेचर फॉल होता है, टेम्परेचर में कोई बदलाव आता है, तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, एडियाबेटिक लैप्स रेट बोलते हैं। तो दोस्तों अगर टेम्परेचर का घटा बढ़ा हवा के घटने बढ़ने से हो रहा है तो उसको एडियाबेटिक लैप्स रेट बोलते हैं। ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट होता है 10 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर। कितना दोस्तों, 10 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए दोस्तों, 10 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर। द कंडीशन इन विच देयर इज एब्रप्ट राइज इंस्टीड ऑफ फॉल इन टेम्परेचर इज कॉल्ड एज इनवर्जन। और दोस्तों क्या होता है, एक ऐसी कंडीशन हो रही है जबकि जहां पर जब बढ़ना होता है, घट रहा घट रहा होता है, बढ़ रहा है, तो फिर उसको क्या बोल लेंगे, इनवर्जन। द कंडीशन इन विच देयर इज एब्रप्ट राइज इंस्टीड ऑफ फॉल। तो उन्होंने बोला है कि जब सडन राइज हो रहा है घटने की जगह, तो उसको दोस्तों क्या बोलते हैं, उसको इन्वर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, टेम्परेचर का इन्वर्जन बोलते हैं, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। दूसरा जो हमारा है दोस्तों क्या है, अल्बेडो। अल्बेडो क्या होता है, इट इज द रेशियो बिटवीन इनकमिंग एंड आउटगोइंग रेडिएशन। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सब कुछ नहीं है कितनी रेडिएशंस एक पर्टिकुलर सतह पर आ रही हैं और कितनी जा रही हैं, इसी को एल्बेडो बोलते हैं। किसको दोस्तों, आने वाली, जैसे मान लो ये एक सतह है, इस पर कितनी रेडिएशंस आ रही हैं और यहाँ से कितनी रिफ्लेक्ट होकर जा रही हैं, दिस इज कॉल्ड एज एल्बेडो। इट इज द परसेंटेज ऑफ इंसिडेंट सोलर रेडिएशंस रिफ्लेक्टेड बाय द सर्फेस इज नोन एज एल्बेडो। तो दोस्तों जैसे हमने समझा है वही है, जो जो रिफ्लेक्ट हो रहा है उसको बोल रहे हैं। अल्बिडो ऑफ द सरफेस इज इक्वल टू 0.4 होता है। कितना होता है दोस्तों, नॉर्मल 0.4 होता है। साइक्लोन क्या है दोस्तों, साइक्लोन क्या है, साइक्लोन इज अ रफली सर्कुलर लो प्रेशर एरिया हुज डायमीटर मे बी फ्रॉम 100 to 1000 माइल। तो उन्होंने बोला अ साइक्लोन इज अ रफली सर्कुलर, कैसा होता है, ऐसा रफली सर्कुलर लो प्रेशर एरिया। इसमें क्या होता है दोस्तों, लो प्रेशर एरिया हुज डायमीटर मे बी फ्रॉम 100 to 1000। सो दोस्तों इसको बोला है 100 से 1000 माइल तक इसका वो होता है, क्या होता है, इसका एरिया होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ऑलवेज लोएस्ट इन द सेंटर। और जो होता है दोस्तों एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेंटर में सबसे लो होता है, कहाँ लो होता है, देन रीजन, और सबसे ज्यादा सेंटर ऑफ द रीजन एंड इंक्रीज रैपिडली आउटवर्ड। और इसका जो है ना, ऐसे इसका जो है ना प्रेशर बढ़ता जाता है। एग्जाम्पल टोर्नाडो है, टाइफोन है, हेरिकेन्स है, ये सभी किसके उदाहरण दोस्तों, साइक्लोन के उदाहरण है। थैंक यू फ्रेंड्स, आपने हमारा चैनल देखा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और पिछला वीडियो देखे आपको बहुत प्यार मिला, देखते रहिए दोस्त। और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को इतनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन भेज दें। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हेलो फ्रेंड्स, हाजिर हूँ नए वीडियो के साथ। दोस्तों आज हम इस वीडियो में सोल कंजर्वेशन मेजर्स एंड क्लाइमेट और वेदर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखना ना भूलें, इस वीडियो के एंड पॉइंट तक इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हमने डिस्कस किया है। तो दोस्तों आप बने रहिए और प्लीज प्लीज पूरा वीडियो देखिए, आपको बहुत सीखने को मिलेगा और दोस्तों कुछ नया मिलेगा। अगर एक क्वेश्चन भी हमारा सही होता है तो हमारे खाते में 4 नंबर जाएंगे। तो प्लीज पूरा वीडियो न देखना भूलें। और दोस्तों जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब एंड लाइक नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेगी। तो दोस्तों समय को ना वेस्ट करते हुए चलते हैं कंटेंट पर। तो दोस्तों आज हम इसमें पढ़ रहे हैं सोइल कंजर्वेशन मेजर्स। तो दोस्तों क्या होते हैं सोइल कंजर्वेशन मेजर्स, तो सबसे पहला है एग्रोनॉमिकल मेजर्स। तो दोस्तों इसमें अडॉप्टेड वेयर स्लोप इज लेस देन 2%। तो दोस्तों एक बात का ध्यान रखना है कि ये वहीं अडॉप्ट किया जाए जहां पर
जो स्लोप होता है, जो ढलान होता है, जो 2% से कम होता है। तो याद रखिए दोस्तों, ढलान जो हमारा है 2% से कम होना चाहिए, तब हम क्या करते हैं एग्रोनॉमिकल मेजर्स में, एग्रोनॉमिकल मेजर्स को अडॉप्ट करते हैं। हियर इरोजन प्रॉब्लम आर नॉट सीवियर। दोस्तों इस जो है एग्रोनॉमिकल मेजर में जो है ना, इसमें जो है सीवियर नहीं होता है, बड़ा इशू नहीं है सोल इरोजन का। तो दोस्तों इसको हम कहाँ यूज करते हैं जहाँ कि 2% से कम होता है। इट इंक्लूड काउंटर कल्टीवेशन, टिलेज, मल्चिंग एंड स्ट्रिप क्रॉपिंग। दोस्तों इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें काउंटर कल्टीवेशन करते हैं। काउंटर कल्टीवेशन जैसे कि ये मान लो पहाड़ है और इस पे हम यहाँ पर सीढ़ीनुमा खेती करें, तो ये कौन सा हो जाएगा दोस्तों, काउंटर कल्टीवेशन हो जाएगा। मल्चिंग मीन्स कवरिंग ऑफ सॉइल टू कंजर्व द सॉइल मॉइस्चर। और स्ट्रिप क्रॉपिंग मतलब दोस्तों इसमें कोई ऐसी पतली सी गली खोद के इसमें कोई क्रॉप लगा दे। आगे हमने रखा है इसको दोस्तों, डिस्कस करेंगे। तो एग्रोनॉमिकल मेजरमेंट्स में कैसे गया है दोस्तों, ये वहां पर इसको अडॉप्ट करते हैं जहाँ पर 2% से कम होता है, बट इसमें इरोजन का बहुत बड़ा इशू नहीं है। और इसमें हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसमें हम काउंटर कल्टीवेशन कर सकते हैं, टिलेज, मल्चिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग कर सकते हैं। आप याद रखें इसमें काउंटर कल्टीवेशन कर सकते हैं, ये बहुत सिंपल है, इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। दूसरा दोस्तों इसमें जो है काउंटर कल्टीवेशन क्या होता है, काउंटर कल्टीवेशन क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था अभी, सीढ़ीनुमा जो खेती करते हैं उसको काउंटर कल्टीवेशन कहते हैं। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप बाय सोविंग एक्रॉस द स्लोप। तो दोस्तों जैसे मान लो ये हमारा एक स्लोप है ये, और अगर हम इस पे ऐसे सोविंग करते हैं, इस तरह से सोविंग करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं एक्रॉस द स्लोप पे सोविंग करना। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप बाय सोविंग मतलब प्लॉग करना, इसको जोताई करना, गुड़ाई करना एक्रॉस द स्लोप। कुछ लोग समझते हैं कि पूरे स्लोप पर, पूरे स्लोप पर तो करते हैं, लेकिन स्लोप जो होता है उसमें हम ऐसे स्विमिंग नहीं करते हैं इसमें कभी भी। तो इसमें इस तरह की स्विमिंग की जाती है, ऐसे ऐसे इसको कट बना लेते हैं, इसको बोलते हैं सीढ़ीनुमा खेती करना और काउंटर कल्टीवेशन करना। इट कंजर्व सॉइल और सॉइल फर्टिलिटी एंड वाटर। तो दोस्तों ये क्या होता है कि सॉइल को कंजर्व करता है, कैसे, अगर हम ऐसे क्रॉप करेंगे तो मिट्टी बह के नीचे नहीं जाएगी। इस सॉइल का सॉइल कंजर्वेशन को प्रोटेक्ट करता है, सॉइल फर्टिलिटी एंड वाटर को भी ये कंजर्व करता है। किस किस को कंजर्व करता है, सॉइल को कंजर्व करता है, फर्टिलिटी को कंजर्व करता है और वाटर को भी कंजर्व करके रखता है। तो दोस्तों इसमें आपको याद रखना है एक्रॉस द स्लोप, स्लोप के जो है ना एक छोर से दूसरे छोर तक हम ढलान के जो है अपोजिट में, जस्ट अपोजिट में इसको हम स्विमिंग करते हैं, जैसे सीढ़ीनुमा खेती आप समझ सकते हैं। जो दूसरा है दोस्तों मल्चिंग, तो मल्चिंग क्या होता है आप समझिए, मल्चिंग क्या होता है दोस्तों, मल्चिंग उसको बोलते हैं कि कवरिंग ऑफ द सॉइल सरफेस। तो दोस्तों इसका मेन उद्देश्य क्या होता है, टू कंजर्व सॉइल मॉइस्चर। तो पढ़ते हैं दोस्तों मल्चिंग क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू कंजर्व सॉइल मॉइस्चर। मल्चिंग इज एनी मटेरियल अप्लाइड ऑन द सॉइल सरफेस टू चेक एवापोरेशन एंड इम्प्रूव सॉइल वाटर। तो दोस्तों इन्होंने क्या बोलता है कि मल्चिंग में कोई मटेरियल ले लो, चाहे हम उसमें कोई घास ले लें, या कोई पत्तियां ले लें, या कोई पत्थर ले लें, या प्लास्टिक पॉलिथीन ले लें, कुछ भी चीज जिसको हम पेड़ों के चारों तरफ मिट्टी पे मतलब जमीन पे अपन बिछा रहे हैं उसको, तो उसमें क्या होता है कि वो पानी को हवा में ना उड़े, उसका एवापोरेशन ना हो, पानी का हवा में ना उड़े, इसलिए हम उसको जमीन पे बिछा देते हैं। इसको बोलते हैं मल्चिंग। किसके लिए करते हैं, मॉइस्चर कंजर्वेशन के लिए करते हैं दोस्तों, मॉइस्चर कंजर्वेशन के लिए करते हैं। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने जो लिख दिया है, मॉइस्चर कंजर्वेशन के लिए करते हैं। एंड इम्प्रूव सॉइल वाटर, और इस इम्प्रूव सॉइल वाटर कैसे होगा दोस्तों, जो हवा में उड़ने से बच जाएगा, इससे इससे सॉइल का वाटर इम्प्रूव रहेगा, बना रहेगा।
दोस्तों ये और मल्चिंग क्या क्या करता है, जैसे जैसे वीड ग्रोथ रोकता है दोस्तों, अगर पॉलिथिन मल्च है तो उसमें से वीड हो ही नहीं सकता है। दूसरा दोस्तों ऑर्गेनिक मैटर फर्टिलिटी बढ़ाएगा सोल की, माइक्रोबिलिटी बढ़ाएगा, ऑक्सीडेशन उसका ऑक्सीजन कंटेंट बढ़ाता है दोस्तों, उसका ये प्रो ईल्ड एंड प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। सारे ये एडवांटेज हैं मल्चिंग के। इट्स अ मोस्ट इम्पोर्टेंट टेक्टिक टू कंजर्व ऑफ सोइल मॉइस्चर एंड रिड्यूस इरोजन फॉर एग्रीकल्चर इन ड्राई रीजन। तो दोस्तों आपने पता होगा कि ड्राई रीजन में सबसे ज्यादा तेज हवाएं चलती हैं और मिट्टी सूखी रहती है, तो इसमें विंड इरोजन भी बहुत सारा होता है। तो ये जो मल्चिंग करते हैं उससे विंड इरोजन रुकता है, और जो अगर पानी बरस जाता है तो पानी का कंजर्व भी अच्छा होता है। एग्जाम्पल क्रॉप रेसिड्यूज यूज कर सकते हैं, लीव्स यूज करते हैं, मैन्यूर्स मतलब जैसे मान लो एफआई वगैरह डाल दो, पॉलीथीन यूज कर सकते हैं। ये सभी क्या है दोस्तों, कंपोनेंट है उसको यूज करने की कि किससे हम मल्चिंग कर सकते हैं। तीसरा जो पॉइंट हमारा स्ट्रिप क्रॉपिंग। दोस्तों स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होता है, सिस्टम ऑफ क्रॉपिंग इन विच लॉन्ग एंड नैरो स्ट्रिप ऑफ इरोजन रेसिस्टेंट क्रॉप आर अल्टरनेट विद स्ट्रिप ऑफ इरोजन परमिटिंग क्रॉप। तो दोस्तों जैसे कि आपको मालूम है इरोजन परमिटिंग क्रॉप कौन सा है, मेज है। अगर हम इसको मान लो कि स्लोप पर लगाते हैं मेज को, तो ये क्या करता है कि मिट्टी के उसको बढ़ाता है, सोल इरोजन को बढ़ाता है। तो हम कुछ ऐसी क्रॉप्स लगाएं, इनके जैसे ये क्रॉप है यहाँ पर, हम कुछ ऐसे क्रॉप ग्रो करें पतली सी नाली खोद के, कि ये उसके उसको मिट्टी के कटाव को रोक ले। तो इस तरह की क्रॉपिंग को बोलते हैं स्ट्रिप क्रॉपिंग, सिस्टम ऑफ क्रॉपिंग इन विच लॉन्ग एंड नैरो स्ट्रिप। दोस्तों लॉन्ग एंड नैरो स्ट्रिप ऑफ इरोजन रेसिस्टेंट क्रॉप जो इरोजन को रोकते हैं। ऐसे दोस्तों बहुत सारे होते हैं, जैसे ग्रासेस जो फॉडर क्रॉप्स होते हैं वो सभी इरोजन रेसिस्टेंट क्रॉप होते हैं मोस्ट ऑफ। जैसे कि अपन बहुत सारे जो मिल्की जो दूध वाले पशुओं के लिए जो एडवाइस करते हैं वो सारे इरोजन रेसिस्टेंट क्रॉप्स होते हैं। मैकेनिकल मेजर्स जो दूसरा हमारा पॉइंट है, मैकेनिकल मेजर्स हम क्या क्या सुने, अडॉप्टेड टू सप्लीमेंट द एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस एंड व्हेन लैंड स्लोप इज मोर देन 2%। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात है इसको कहाँ कहाँ यूज करते हैं, जहां पर स्लोप का 2% से ज्यादा हो। डियर फ्रेंड्स आप ये जरूर याद रखिए, आपको ये अच्छे से याद होना चाहिए कि किसको कहाँ यूज कर रहे हैं हम। तो वो लेस देन 2 के लिए था या मोर देन 2 के लिए, इट इंक्लूड फॉलोइंग प्रैक्टिसेस। और इसके अंदर कौन कौन सी प्रैक्टिसेस आती है दोस्तों, तो सबसे इसमें काउंटर बॉन्डिंग, काउंटर जो बंड बनाते हैं बॉन्डिंग आता है। काउंटर बॉन्डिंग इज अडॉप्टेड अप टू 6% स्लोप ऑफ लैंड। तो दोस्तों ये स्लोप पूछते हैं, देखो दोस्तों ये आपको याद रखे हैं कि काउंटर पर अगर बंड बनाना है तो 6% स्लोप कम से कम होना चाहिए, तब हम इसको बोलेंगे काउंटर बंडिंग। 6% स्लोप ऑफ लैंड एंड यूज इन एरिड एंड सेमी एरिड एरिया विद हाई इनफिल्ट्रेशन एंड परमिएबिलिटी। तो दोस्तों इसको कहाँ यूज करते हैं, एरिड रीजन में, एरिड और सेमी एरिड में। तो आपको दोस्तों काउंटर बंडिंग के लिए थोड़ा सा आपको देखना रहेगा कि इसको कहाँ पर यूज करते हैं, एरिड एंड सेमी एरिड। ग्रेडेड बंडिंग, तो दोस्तों ग्रेडेड बंडिंग क्या होते हैं, तो रिकमेंडेड इन एरिया रिसीविंग रेनफॉल ऑफ मोर देन 800 mm पर ईयर। तो दोस्तों ये कहाँ होता है, जहां पर रेनफॉल कितना होता है, मोर देन 800 mm पर ईयर। तो दोस्तों एक क्वेश्चन हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट में लिख के बताना है कि अगर जो फार्मिंग होती है, ड्राई फार्मिंग, ड्राई लैंड फार्मिंग, और जो तो इसमें 800 अगर mm परसेंट बारिश हो रही है, तो इसमें कौन सी फार्मिंग होगी, ड्राई फार्मिंग होगा या ड्राई लैंड फार्मिंग होगा। दोस्तों आप अभी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, हम आपका देखते हैं कि आप कितने ध्यान से हमारे वीडियोस देख रहे हैं। दोस्तों इसमें कब है, 800 mm से जब ज्यादा बारिश हो रही है तब हम इसको यूज करेंगे, किसको, ग्रेडेड बॉन्डिंग। इन जनरल
बेंडिंग इज सुटेबल फॉर लैंड हैविंग स्लोप मोर देन 2 से 10%। दोस्तों देखो, अगर हमारा जो पहाड़ी एरिया है उसका स्लोप कितना है, 2 से 10% है ढलान, तब हम उसमें क्या बंड बना देते हैं। आपने बंड होता होगा, देखो छोटा छोटा खोद देते हैं और उसमें क्या पानी रुक जाता है और पानी अंदर जमीन में बैठते रहता है, और या फिर हम इसको एक कलेक्शन कलेक्टिंग पॉइंट बना देते हैं जहाँ पर जो बंड का पानी है वो इकट्ठा होता रहता है। और दोस्तों जब हम बंडवा बंड बनाते जाते हैं तो ये बहुत ही अच्छा ही यूज है। आजकल वाटर सेट में भी इसका यूज कर रहे हैं थोड़ा बहुत। काउंटर एंड ग्रेडेड बंडिंग आर मोस्ट यूज इन इंडिया। तो दोस्तों ये इंडिया में सबसे ज्यादा यूज होते हैं, आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछ सकते हैं कि कौन सा सबसे ज्यादा बंड इंडिया में यूज होता है, तो आपको ग्रेड बंडिंग और काउंटर बंडिंग पे आपको बताना है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है सब सॉइलिंग, ब्रेकिंग ऑफ हार्डपन ऑफ सॉइल बाय द सब सॉइलर एट 30 से 60 सेंटीमीटर। तो दोस्तों आपने एक चीज देखी होगी, सब सॉइलिंग का एक बेस्ट एग्जांपल बताऊं, जब हम पडलिंग करते हैं उस टाइम जो अगर हम जो करते हैं पडलिंग, वो किसके लिए करते हैं, सब सरफेस के हार्डपन हार्ड करने के लिए करते हैं, सब सरफेस को हार्ड करने के लिए करते हैं। तो ब्रेकिंग ऑफ हार्डपन ऑफ सॉइल बाय सब सॉइलर, तो जो ट्रैक्टर के टायर वगैरह में जो होते हैं पडलर, उनको सब सॉइलर जैसे यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों एट 30 से 60 सेंटीमीटर, ये थोड़ा डीप हो गया, लेकिन जब हम बात करते हैं उसके धान के फील्डिंग, तो उसमें जब पडलिंग करते हैं वो सब सॉइल को हार्ड करने के लिए करते हैं, जिससे कि हमारा लीचिंग और जो है पानी का जो है इनफिल्ट्रेशन ना हो पाए। सेंटीमीटर एंड डेप्थ एंड 90 से 120 सेंटीमीटर इंटरवल। तो दोस्तों इसको कितने करते हैं, 30 से 60 सेंटीमीटर डेप्थ तक, गहराई तक करते हैं, और उसका कितनी दूरी पर करते हैं एक दूसरे से, 90 से 180 सेंटीमीटर इंटरवल। मान लो 2-2 मीटर पर हम सब सोलर हमको जो है ना खोद खोद के हमें हार्डपन को ब्रेक करके रखना है। दोस्तों ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, BBF है, ब्रॉड बेड एंड फिरोज सिस्टम। तो इसको आप एकदम 5 स्टार लगा लीजिए दोस्तों, ये बहुत ज्यादा आता है। सुटेबल फॉर मैनेजिंग रेन वाटर इन डीप ब्लैक सॉइल। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये कहाँ यूज होता है दोस्तों, डीप ब्लैक सॉइल में यूज होता है। कहाँ पर यूज होता है, डीप ब्लैक सॉइल में यूज होता है, वेयर सरफेस ड्रेनेज ड्यूरिंग द मानसून पीरियड इज अ प्रॉब्लम। आपको पता होगा दोस्तों, जो काली मिट्टी होती है उसमें ड्रेनेज की बड़ी प्रॉब्लम होती है, और एक तो उसकी जल धारण क्षमता बहुत ज्यादा होती है, इस मान सकते हैं कि सबसे ज्यादा होती है। इस कारण से क्या होता है कि वो मिट्टी को पानी को बहुत ज्यादा रोक लेता है, और उसमें बहुत ब्लैक सॉइल बहुत चिकनी होती है, उसमें नीचे भी पानी बहुत जल्दी नहीं जा पाता है, इसीलिए उसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि पानी भरा रहता है, तो यहाँ पर उसमें ड्रेनेज की बड़ी प्रॉब्लम रहती है। देखिए हियर इज प्रॉब्लम। तो बेंच टेरेसिंग किसको बोलते हैं दोस्तों, बेंच टेरेसिंग अडॉप्टेड इन इन लैंड्स वेयर द स्लोप रेंजिंग फ्रॉम 16-30 सेंटीमीटर ऑन स्टीप। तो दोस्तों अगर ये ऐसे हो जाए तो वहां पर क्या होता है, बेंच टेरेसिंग करते हैं, बेंच टेरेसिंग फार्मिंग करते हैं, अडॉप्टेड इन लैंड वेयर स्लोप इज रेंजिंग फ्रॉम 16 से 33% के बीच में जब होता है, तो हम इसको अडॉप्ट करते हैं। और स्टीप स्लोपिंग एंड अंडुलेटिंग लैंड, अंडुलेटिंग मतलब इस तरह की अगर कोई मिट्टी है पहाड़ी है तो उसके लिए हम ऐसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है जिंक टेरेसिंग। जिंक टेरेसिंग क्या होता है, अडॉप्टेड इन लैंड विथ 3-10% स्लोप। देखो दोस्तों 10 के नीचे ही है, 3-10% स्लोप है। जिंक टेरेसिंग आर कंस्ट्रक्टेड इन मीडियम टू डीप सॉइल। दोस्तों मीडियम टू डीप सॉइल इन मॉडरेट टू हाई रेनफॉल एरियाज। दोस्तों इस तरह की कहाँ यूज करते हैं, इसको ड्राई लैंड में यूज नहीं करेंगे क्योंकि वहां पर तो रेनफॉल बहुत कम होता है, तो इसको कहाँ करेंगे हम, जहाँ पर एवरेज रेनफॉल हो रहा है और एवरेज से भी ज्यादा हो रहा है, मॉडरेट टू हाई। तो अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो दोस्तों इसमें मध्य प्रदेश में 1195 शायद MM बारिश का जो है इसको एवरेज मानते हैं। तो अगर किसी अंडुलेटिंग एरिया या स्लोप पर
इससे ज्यादा बारिश होती है, इतनी बारिश होती है तो हमको जिंक टेरेसिन का यूज करना चाहिए। किसके लिए दोस्तों? मॉइस्चर कंजर्वेशन के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों वेजिटेटिव बैरियर्स। दोस्तों वेजिटेटिव बैरियर्स क्या होते हैं? दीज आर द क्लोजली स्पेस्ड प्लांटेशन यूजली अ फ्यू रोज ऑफ ग्रासेस श्रब्स अलोंग काउंटर फॉर इरोजन कंट्रोल। तो दोस्तों देखो दीज आर क्लोजली स्पेस्ड प्लांटेशन। दोस्तों इसमें क्या करते हैं कि पास पास में पेड़ लगा देते हैं, ऐसे पेड़ जो सॉइल इरोजन को रोकते हैं और मॉइस्चर कंजर्वेशन करते हैं। जैसे कि सॉइल इरोजन को जो रशियन क्रॉप कौन सा, जैसे कैशू वगैरह है साउथ में, इसको बहुत यूज कर सकते हैं, करते हैं हम लोग यूजली इन फ्यू रोज ऑफ ग्रासेस। उनके जो ग्रासेस लगाते हैं, सरफ्स लगा देते हैं अलग विद काउंटर फॉर इरोजन। दोस्तों ये फॉर है, इसको आप ऐसे कर सकते हैं इरोजन कंट्रोल। खस है वेटिवर, वेरी इंपॉर्टेंट याद है दोस्तों, ये खस जो होता है ये वेटिवर स्पेशली इंट्रोड्यूस फॉर सोल कंजर्वेशन, सोल कंजर्वेशन के लिए इसको इंट्रोड्यूस किया था। तो इट इज अ मोस्ट सुटेबल प्लांट फॉर दिस पर्पस। किसके लिए दोस्तों? वेजिटेटिव पर्पस के लिए, और मीन्स वेजिटेटिव पर्पस बैरियर्स के लिए। इसके लिए इसे किसके लिए इंट्रोड्यूस किया था? इसमें सोइल कंजर्वेशन के लिए, सेम एज कैश्यू। वर्टिकल मल्चिंग, दोस्तों वर्टिकल मल्चिंग को आप समझ लीजिए, डिगिंग नैरो ट्रेंचेस अक्रॉस द स्लोप। दोस्तों मान लो ये स्लोप है और इसमें क्या करते हैं कि पतले पतले से गड्ढे खोद लेते हैं ऐसे, तो डिगिंग नैरो ट्रेंचेस अक्रॉस द स्लोप इन एट इंटरवल एंड प्लेसिंग द स्ट्रॉ और क्रॉप रेसिड्यू दीज ट्रेंचेस। और इसमें क्या करते हैं दोस्तों, जो हमारा घास निकलता है उसको दबा दबा के भर देते हैं। इट इज मोस्टली प्रैक्टिस इन कॉफी गार्डन। दोस्तों इसको कहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों? ज्यादातर कॉफी गार्डन में इसको प्रैक्टिस करते हैं। क्लाइमेट दूसरा पार्ट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको देखते रहिए, आप पूरा वीडियो देखिए, आपको जरूर देखो दोस्तों, हर एक टॉपिक से एक एक दो क्वेश्चन आता है तो आप देखते रहेंगे तो आपका एक एक दो क्वेश्चन से दोस्तों सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो वेदर आर स्टेट और कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर एट गिवन प्लेस। दोस्तों एक पर्टिकुलर प्लेस पर ही हम एटमॉस्फेयर वर्ड का यूज कर सकते हैं। एटमॉस्फेयर हम पूरे एमपी के लिए ऐसे एटमॉस्फेयर यूज नहीं कर सकते, वर्ड बहुत पर्टिकुलर होगा, बहुत छोटे होगा। जैसे कि मान लो कि हम एक बात करें एक छोटे से एरिया की, तो वहां पर हम यूज करेंगे यहाँ का वेदर और एटमॉस्फेयर कैसा है एट अ गिवन टाइम और एक समय में, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर जो है ना दोस्तों चेंज होता रहता है बहुत जल्दी जल्दी। एटमॉस्फेयर इट इज कलरलेस टेस्टलेस ऑडरलेस मिक्सर ऑफ गैसेस सराउंडेड द अर्थ। तो दोस्तों वेदर के बारे में बताया कि हमें गिवन प्लेस एक छोटे से एरिया में होता है, एक निश्चित समय के लिए होता है। तो अब हमें एटमोसफियर मीन्स जो क्लाइमेट का, क्लाइमेट क्या होता है दोस्तों? ब्रॉड टर्म होता है, ब्रॉड बहुत बड़ी एरिया के लिए होता है और एक लंबे समय तक ये बना रहता है। जैसे कि ठंड है, बरसात है, गर्मी है, ये क्लाइमेट है। तो दोस्तों एटमोसफेयर इट इज कलरलेस, पहले तो कलरलेस होता है, टेस्टलेस होता है, ऑडरलेस होता है, मतलब बदबू नहीं आती इसमें। मिक्सचर ऑफ गैसेस, इसमें कई सारी गैसेस भरे रहते हैं, हाइड्रोजन है, अमोनिया, जिनोन है, हीलियम है, CO2, सराउंड द अर्थ, अर्थ के चारों तरफ। इट एक्सटेंड अप टू हाइट ऑफ अबाउट 1600 किलोमीटर। तो दोस्तों जो एटमोसफेयर है ये कहाँ तक रहता है कि जमीन से लेके 1600 किलोमीटर तक पर फैला रहता है। हाउएवर 90% ऑफ द टोटल मास ऑफ द एटमोसफेयर इज विद इन 40 किलोमीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप दिमाग में डाल लीजिए कि जो 90% जो वायुमंडल है, जो 90% टोटल मास है एटमोसफेयर का, वो कहाँ पाया जाता है? विद इन 40 किलोमीटर के नीचे पाया जाता है। तो आप इसको याद रख लीजिए, पूछ जाता है दोस्तों। तो 40 किलोमीटर ऑफ द अर्थ सरफेस ऑफ द एटमोसफियर बेस्ड ऑन वर्टिकल टेम्परेचर डिफरेंस। तो दोस्तों इसका जो क्लासिफिकेशन दिया है, जो क्लासिफिकेशन है क्या है? बेस्ड ऑन वर्टिकल टेम्परेचर। इसको ऐसे डिवाइड करेंगे हम, ये मान लो अर्थ है तो अब हम यहाँ से चालू होंगे। पहला कौन सा दोस्तों? ट्रोपोस्फियर है। कौन सा दोस्तों? ट्रोपोस्फियर है। इसमें
इट इज अ लोअर लेयर ऑफ द अर्थ एंड एक्सटेंडिंग अप टू द हाइट ऑफ 8 से 18 किलोमीटर। तो दोस्तों ये जमीन से कितना होता है, या तो 8 किलोमीटर से और 18 किलोमीटर के बीच में ये रहता है। तो आप याद रखिए दोस्तों, सबसे पहले आता है ट्रोपोस्फियर। कौन सा था दोस्तों? ट्रोपोस्फियर। टेम्परेचर डिक्रीज विद इंक्रीज द एल्टीट्यूड एट द रेट ऑफ 6 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। तो डियर फ्रेंड्स, इसका टेम्परेचर जैसे जैसे हम यहाँ से ऊपर बढ़ते जाते हैं, तो प्रति किलोमीटर पर 6 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता जाता है। तो याद रखिए, इसमें टेम्परेचर घटता है दोस्तों। कैसा होता है? घटता है, डिक्रीज होता है। टेम्परेचर डिक्रीज मतलब इंक्रीज एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड जैसे ही बढ़ रहा है, जैसे ही हम ऊंचाई पर जाते हैं, बढ़ता जाता है और टेम्परेचर घटता जाता है विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड एट द रेट ऑफ, कितने रेट से घटता है? 6 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर के हिसाब से गिरता जाता है। इट इन्फ्लुएंस अर्थ क्लाइमेट। जो होता है दोस्तों ट्रोपोस्फीयर, इसी में अर्थ क्लाइमेट है। इट डेंस पार्ट ऑफ एटमोसफियर। ये सबसे डेंस पार्ट है दोस्तों, हवा इसी में रहती है। कंटेन 85% ऑफ एटमोसफियर मास मास। ऑल वेदर फिनोमेनन लाइक क्लाउड्स, रेन, मिस्ट, फॉग, ड्यू एंड ऑकर इन ट्रोपोस्फीयर। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि मान लो कि बरसात हो रही है, तो हम बताइए तो कौन से पार्ट में हो रही है, और बरसात कौन से पार्ट में होती है, विमान कौन से पार्ट में उड़ते हैं वेदर के में। तो दोस्तों, इसको हमको एटमोसफेयर के कौन से पार्ट में उड़ते हैं, तो इनको हमको मालूम होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो दोस्तों, जो भी एग्रोनॉमिकल रिएक्शंस होती हैं, जैसे कि तूफान आना, ये सब आना, ये सब किस में होते हैं? ट्रोपोस्फीयर में होते हैं। अब दूसरा आ गया दोस्तों स्ट्रेटोस्फीयर। इट लाइज बियॉन्ड द हाइट ऑफ, दोस्तों मान लो अगर हमारा 18 किलोमीटर, तो उसके बाद ये पाया जाएगा 50 किलोमीटर तक। 18 से या 8 से 50 किलोमीटर पाया जाएगा ये ऊपर। तो पहले कौन सा था दोस्तों? टी था, TSMT। इसका कोड बता है दोस्तों, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीसोस्फीयर एंड थर्मोस्फीयर। टी से शुरू होता है, टी पर एंड होता है। आप कंफ्यूज नहीं होंगे सीक्वेंस में, नहीं तो बहुत सारे लोग सीक्वेंस में कंफ्यूज होकर बहुत गलतियां कर लेते हैं। वार्मेस्ट लेयर यूनिफॉर्म टेम्परेचर विद एल्टीट्यूड। तो दोस्तों, ये जो स्ट्रेटोस्फीयर है, इसमें सबसे वार्मेस्ट लेयर होती है। कैसी होती है दोस्तों? वार्मेस्ट लेयर यूनिफॉर्म टेम्परेचर होता है विद एल्टीट्यूड, और इसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं होता है दोस्तों। के ऊपर चल रहे हैं तो घटेगा बढ़ेगा, जैसा कि ट्रोपोस्फीयर में हो रहा था। इसमें यूनिफॉर्म रहता है, एक जैसा रहता है। इट इज अ एक्चुअल सीट ऑफ मोस्ट ऑफ द फोटोकेमिकल रिएक्शंस। और दोस्तों, यहाँ पर क्या जो होती है फोटोकेमिकल, मीन्स फोटोकेमिकल मीन्स जो सूर्य की किरणों से जो किरण निकलती है, उनके कारण जो रिएक्शंस होती हैं, वो इसी पार्ट में होते हैं। किसमें होती हैं? स्ट्रेटोस्फीयर में होती हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शंस में होती हैं। प्रेजेंस ऑफ ओजोन लेयर। और दोस्तों, इसमें क्या होता है ओजोन लेयर? कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ओजोन लेयर कौन से पाई जाती है? तो दोस्तों, पहला आप टी छोड़ देना और दूसरे एस में आ जाना, TSMT। इसमें बरसात होंगी, और दोस्तों यही मान लो कि सब फोटो रिएक्शंस होती हैं, और ये यही हमको प्रोटेक्ट करती है। कौन? ओजोन लेयर। तो इसी में पाई जाती है, किसमें पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फीयर में। हेंस आल्सो कॉल्ड एज ओजोन स्फीयर। और इसको क्या बोलते हैं? ओजोन स्फीयर, क्योंकि इसमें ओजोन का परत, मोटी परत पाई जाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट तीसरा पार्ट है दोस्तों, कौन सा? मीसोस्फीयर। इट्स लाई बियॉन्ड द स्ट्रेटोस्फीयर एट द हाइट ऑफ 50 किलोमीटर। किसके बाद पाया था दोस्तों? 50 के बाद। कितने किलोमीटर? एक्सटेंडिंग अप टू 80 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। दोस्तों, कोल्ड रीजन है, कैसा ये? ठंडा रीजन है। कैसा है? ठंडा रीजन है। और दोस्तों, ये वार्म रीजन था, ये वार्मेस्ट लेयर इसमें जो पाई जाएगी। स्ट्रॉन्ग डिक्रीज इन टेम्परेचर विद द इंक्रीज एल्टीट्यूड। दोस्तों, जब पहले हम अगर पढ़ रहे थे कि जिसमें टेम्परेचर जो रहा घट रहा था, और जैसे हम बढ़ रहे थे, लेकिन स्ट्रेटोस्फीयर में जाके स्थिर हो गया, यूनिफॉर्म हो गया। लेकिन उसके ऊपर जैसे ही हम मीसोस्फीयर में गए, तो
तो जो ठंड है, जो टेम्परेचर है, बहुत तीव्र गति से गिरने लगा है। नेक्स्ट जो पार्ट आता है दोस्तों, थर्मोस्फियर, इट इज अ आउटर मोस्ट लेयर है दोस्तों, ये पूछा जाता है, कॉल्ड एग्जोस्फियर भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एग्जोस्फियर बोलते हैं। ये आउटर मोस्ट पार्ट है दोस्तों, फ्रॉम अर्थ सरफेस एक्सटेंडिंग एट द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर। तो दोस्तों 80 किलोमीटर के बाद पूरा जो है 1600 किलोमीटर तक यही होता है। द लोअर लेयर ऑफ द थर्मोस्फियर इज कॉल्ड एज आयनोस्फियर। और जो थर्मोस्फियर की जो लोअर लेयर है दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं? आयनोस्फियर, क्योंकि इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। तो याद रखिए दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं? आयनोस्फियर। लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो कम्युनिकेशन इज मेड पॉसिबल थ्रू दिस लेयर, दिस आयनाइज। इसको याद रखिए दोस्तों, ये पॉइंट पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो कम्युनिकेशन इज मेड पॉसिबल थ्रू दिस आयोनाइज्ड लेयर, क्योंकि दोस्तों इसमें जो है ना किरणों का जो संचार इजीली होता है। टेम्परेचर इंक्रीज विद एल्टीट्यूड, दोस्तों टेम्परेचर इसमें घट रहा है एल्टीट्यूड के साथ। दोस्तों हम जैसे कंपोजिशन ऑफ एटमोस्फेरिक एयर के बारे में बात करते हैं, तो जो हमारे वातावरण में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है दोस्तों? 78% नाइट्रोजन पाई जाती है, 21% ऑक्सीजन पाई जाती है, आर्गन, इसको याद रखिए दोस्तों बहुत आजकल पूछ जाता है, 0.93% में अप्रोक्स लगभग 1% के, कौन सा है दोस्तों? आर्गन पाई जाती है। और इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है दोस्तों 0.03%, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इस पे स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। और यकीन मानिए एमपीपीएससी में बहुत सिंपल पेपर आता है, बहुत टफ आपको नहीं पढ़ना है, आपका बेस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत टफ पेपर नहीं आता है। तो 0.03 है, नॉट 3, 0.20 है, पॉइंट के बाद 0 है दोस्तों, पॉइंट के बाद 0 है, ये देखो इतनी बड़ी 0 याद देखना, पॉइंट के बाद 0 है, अंदर आगे 0 यहाँ लगाते हैं, तो 0.03% है, देखो याद रखिए दोस्तों। कंपोजिशन ऑफ सॉइल एयर और मिट्टी में देखते हैं कि कितनी महत्व क्या पाया जाता है दोस्तों। तो नाइट्रोजन परसेंट इज मोर और लेस सेम एज द एटमोस्फियर। तो दोस्तों नाइट्रोजन के बारे में कुछ कमेंट नहीं कर रहे कि इसमें कितना है, कम ज्यादा के बारे में बोल रहा है। ऑक्सीजन लेवल इज ऑक्सीजन लेवल लेवल्स डिक्रीज एज कंपेयर टू एटमोस्फियर। तो इसमें बोल रहा है कि जो ऑक्सीजन है वो इसमें एटमोस्फियर से घट गई है दोस्तों, ऑक्सीजन इसमें एटमोस्फेयर की तुलना में कम होती है, लेकिन सीओ टू लेवल विल बी नियरली 8 to 10 times मोर। और बोल रहा है कि 10 गुना ज्यादा, अगर दोस्तों हम 0.03 में, 0.03 में अगर हम 10 का गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा डायरेक्ट 0.3, 1 0 के बाद ऐसा पॉइंट आ जाएगा। तो ये आप याद रखिए कि ये लगभग लगभग हमारा 0.3% जो होता है, क्या होता है? CO2 होता है, किसमें? सॉइल में। सोलर कॉन्स्टेंट किसको बोलते हैं दोस्तों? सोलर कॉन्स्टेंट क्या है? डिफाइन एज द एनर्जी फॉलिंग इन 1 मिनट ऑन अ सरफेस एरिया ऑफ 1 स्क्वायर सेंटीमीटर एट द आउटर बाउंड्री ऑफ एटमोसफेयर हेल्ड नॉर्मल टू द सनलाइट एट द मेन डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन। तो दोस्तों इन्होंने सिंपल भाषा में अगर हम बात इसकी बोले तो बोल रहा है कि एटमोसफेयर के बाहर 1 सेंटीमीटर एरिया पर, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया, लंबाई और चौड़ाई में नापते हैं दोस्तों, तो 1 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया पर 1 मिनट में जितनी धूप पड़ रही है, जितनी बढ़ रही है, उस कॉन्स्टेंट को बोलते हैं दोस्तों क्या? सोलर कॉन्स्टेंट। तो याद रखिए दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर 1 मिनट के अंदर में और आउटर बाउंड्री में जो पड़ रही है एटमोसफेयर के में, तो उसको बोलते हैं सोलर कॉन्स्टेंट। सोलर कॉन्स्टेंट वैल्यू इज 1.94 केल्विन पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, और ऐसा ही यूनिट हम बोलेंगे तो इसको दोस्तों 1353 वाट्स पर मीटर स्क्वायर, कितना दोस्तों? वाट्स पर मीटर स्क्वायर है। अब याद रखिए दोस्तों 1.94 किलो कैलोरी, सॉरी नॉट किलो कैलोरी, ओनली कैलोरी, कैलोरी से प्रति सेंटीमीटर प्रति मिनट में इतना कोसा सोलर कॉन्स्टेंट आता है। तो ये वैल्यू याद रख लीजिए दोस्तों, डायरेक्ट पूछ लेते हैं, ये आपके दिमाग में होना चाहिए 1.94।
1.94 कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर मिनट। द सोलर रेडिएशन इज रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, वेरी डिफरेंट पॉइंट है दोस्तों, कि जो सोलर रेडिएशंस कैसी होते हैं, किस फॉर्म में रिसीव होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बीच में होती हैं। मीन्स दोस्तों इसमें चुंबकीय प्रभाव पाया जाता है। वेव्स पार्टिकल्स आर कॉल्ड क्वांटा और फोटोन, और इनको क्या बोलते हैं दोस्तों, क्वांटा और फोटोन बोलते हैं। जो सन आग पाए आग की गिरती है इस एरिया में, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं उनको क्या बोलते हैं दोस्तों, क्वांटम या फोटोन बोलते हैं। कहीं कहीं पर क्वांटम भी लिखा मिलेगा दोस्तों आपको, यहाँ एम भी होता है, क्वांटम या फोटोन्स बोलते हैं। पीएआर फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, पीआर ऐसी रेडिएशन होते हैं जिसमें दोस्तों क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होती है। फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन लीव्स यूज सोलर एनर्जी इन वेवलेंथ फ्रॉम 1.47 माइक्रोमीटर और द रेडिएशन 400 to 700 नैनोमीटर इज मोस्ट एक्टिव इन फोटोसिंथेसिस। तो दोस्तों ये कह रहे हैं फोटोसिंथेसिस के एक्टिव रेडिएशन कितनी होती है, तो 400 to 700 नैनोमीटर होता है दोस्तों। कितना होता है, 400 to 700 नैनोमीटर इज मोस्ट एक्टिव इन फोटोसिंथेसिस। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जो फोटोसिंथेसिस के लिए पीआर होती है वो कितनी होती है, या तो 0.4 से 0.7 माइक्रो या फिर 0.400 to 700 नैनो, आपको याद रखना है। और दोस्तों ये इसको किस में मेजर किया जाता है, इसकी यूनिट क्या है, मेजर्ड बाय क्वांटम सेंसर, और यूनिट आइंस्टीन और वाट पर मीटर स्क्वायर, आइंस्टीन और वाट पर मीटर स्क्वायर, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यूनिट याद रखिए, आइंस्टीन और वाट्स पर मीटर स्क्वायर। लक्स क्या होता है दोस्तों, लक्स क्या होता है, इज द ओल्डेस्ट यूनिट टू मेजर इंटेंसिटी ऑफ सोलर रेडिएशन। ये बहुत पुरानी यूनिट है, पहले जमाने में क्या करते थे दोस्तों, इस लक्स में इसको नापते थे कि कितना लक्स है। स्पेक्ट्रोमीटर मेजर सोलर रेडिएशन इन नैरो वेव लेंथ। तो स्पेक्ट्रोमीटर है जो होता है दोस्तों, वो सोलर रेडिएशन की क्या होता है, नैरो वेव बैंड को मेजर करता है। लैप्स रेट के बारे में बहुत पूछा था दोस्तों, लैप्स रेट क्या होती है, लैप्स रेट क्या, द वर्टिकल टेम्परेचर डिक्रीज और ग्रेडियंट इज एक्सप्रेस्ड एज लैप्स रेट। उन्हें बोल रहे हैं द वर्टिकल टेम्परेचर डिक्रीज और ग्रेडियंट इज एक्सप्रेस्ड एज लैप्स रेट। तो दोस्तों नॉर्मली लैप्स रेट इज 6.5 किलोमीटर। तो वर्टिकल टेम्परेचर जब हम ऊपर बढ़ते जाते हैं दोस्तों, ऐसे ऊपर बढ़ते हैं तो जो टेम्परेचर गिरता है, जो एक जैसे 6 पॉइंट की गति से गिरा था, 6.5, इसी को बोलते हैं दोस्तों लैप्स रेट बोलते हैं। तो वर्टिकल टेम्परेचर डिक्रीज ऊपर उठने पर, तो ये कितना है दोस्तों, 6.5 सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर ऊपर उठने पर ये गिरता है। तो दोस्तों TSMT यहाँ पे याद रखे, TS और M और T, तो जो टी में ये सबसे ज्यादा लैप्स रेट देखने को मिलता है दोस्तों, याद रखे ट्रोपोस्फियर में। एडियाबेटिक लैप्स रेट क्या होता है दोस्तों, द रेट एट विच द एटमोस्फेरिक चेंजेस एज एयर राइज और फॉल इज कॉल्ड एडियाबेटिक लैप्स रेट। तो दोस्तों उन्होंने बोला है द रेट एट विच द एटमोस्फेरिक टेम्परेचर रेंजेस एज एयर राइज और फॉल। उन्होंने बोला है कि जब हवा के बढ़ने से, दबाव घटने से अगर टेम्परेचर फॉल होता है, टेम्परेचर में कोई बदलाव आता है, तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, एडियाबेटिक लैप्स रेट बोलते हैं। तो दोस्तों अगर टेम्परेचर का घटा बढ़ा हवा के घटने बढ़ने से हो रहा है, तो उसको एडियाबेटिक लैप्स रेट बोलते हैं। ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट होता है 10 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर। कितना दोस्तों, 10 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर, बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखिए दोस्तों, 10 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर। द कंडीशन इन विच देयर इज एब्रप्ट राइज इंस्टेड ऑफ फॉल इन टेम्परेचर इज कॉल्ड एज इनवर्जन। और दोस्तों क्या होता है, एक ऐसी कंडीशन हो रही है जैसे जहां पर जब बढ़ना होता है, घट रहा होता है, बढ़ रहा है, तो फिर इसको क्या बोल लेंगे, इनवर्जन। द कंडीशन इन विच देयर इज एब्रप्ट राइज इंस्टेड ऑफ फॉल, तो उन्होंने बोला है कि जब सडन राइज हो रहा है घटने की जगह, तो
तो उसको दोस्तों क्या बोलते हैं, उसको इन्वर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? टेम्परेचर का इन्वर्जन बोलते हैं, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। दूसरा जो हमारा है दोस्तों क्या है, अल्बेडो। अल्बेडो क्या होता है? इट इज द रेशियो बिटवीन इनकमिंग एंड आउटगोइंग रेडिएशन। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सब कुछ नहीं है, कितनी रेडिएशंस एक पर्टिकुलर सतह पर आ रही हैं और कितनी जा रही हैं, इसी को एल्बिडो बोलते हैं। किसको दोस्तों? आने वाली, जैसे मान लो ये एक सतह है, इस पर कितनी रेडिएशंस आ रही हैं और यहाँ से कितनी रिफ्लेक्ट होकर जा रही हैं, दिस इज कॉल्ड एज एल्बिडो। इट इज द परसेंटेज ऑफ इंसिडेंट सोलर रेडिएशंस रिफ्लेक्टेड बाय द सर्फेस इज नोन एज एल्बिडो। तो दोस्तों जैसे हमने समझा है वही है, जो जो रिफ्लेक्ट हो रहा है उसको बोल रहे हैं। अल्बिडो ऑफ द सरफेस इज इक्वल टू 0.4 होता है। कितना होता है दोस्तों? नॉर्मल 0.4 होता है। साइक्लोन क्या है दोस्तों? साइक्लोन क्या है? साइक्लोन इज अ रफली सर्कुलर लो प्रेशर एरिया हुज डायमीटर मे बी फ्रॉम 100 टू 1000 माइल। तो उन्होंने बोला साइक्लोन इज रफली सर्कुलर, कैसा होता है? ऐसा रफली सर्कुलर लो प्रेशर एरिया। इसमें क्या होता है दोस्तों? लो प्रेशर एरिया हुज डायमीटर फ्रॉम मे बी फ्रॉम 100 टू 1000। और दोस्तों इसको बोला है 100 से 1000 माइल तक इसका वो होता है, क्या होता है इसका एरिया होता है। एटमोस्फेयर प्रेशर इज ऑलवेज लोएस्ट इन द सेंटर। और जो होता है दोस्तों एटमोसफेयर जिसमें सेंटर में सबसे लो होता है, कहाँ लो होता है? देन रीजन, और सबसे ज्यादा सेंटर ऑफ द रीजन एंड इंक्रीज रैपिडली आउटवर्ड। और इसका जो है ना, ऐसे इसका जो है ना प्रेशर बढ़ता जाता है। एग्जाम्पल टोर्नाडो है, टाइफोन है, हेरिकेन्स है, ये सभी किसके उदाहरण दोस्तों? साइक्लोन के उदाहरण है। थैंक यू फ्रेंड्स, आपने हमारा चैनल देखा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और पिछला वीडियो देखे आपको बहुत प्यार मिला, देखते रहिए दोस्त। और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भेज दें। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।